भी बार गुजर गया। तो लीजिए पहले एक लोग भी सुना दू, आप तो शब्द सुनेंगे बढ़िया आनंद लेंगे। मतलब दो पति और पत्नी आपस में लड़ते हैं, जब दोनों में अनबन हो जाती है एक दूसरे अलग अलग रोटी बनाने लगते हैं, यानी कि न्यारे हो जाते हैं। तो जब भैया के दोस्त यार आए तो दोस्त यार पूछने लगे, भैया आप अलग रोटी बना रहे हैं और भाभी जी अलग बना रही हैं। हेलो, अरे मोसे, भैया बोले ए मोसे लुट के गुजरिया, ए भैया ए मोसे लुट के गुजरिया, घर लौने आरो रसारो में। बोले भैया ए मोसे रुट के गुजरिया, घर लौने आरो सबसे छोटी है कजरिया, सबसे छोटी है कजरिया, छोटी है अर घर लौने आरो राजेश मीना जी गोर आपको से 1101 रुपए का आशीर्वाद मंडल आशीर्वाद की कामना करता है। भगवान कन्हैया की लीलाएं भी गाना है और 10 मिनट का समय है। तो लीजिए भगवान कन्हैया की एक नटखट लीला। तो एक सखी थी विशाखा और संग सहेली चार, तो चली बरसाने बाजा, मधुबन में मोहन मिलो एन को ललकार, बोले ब्रज की नारियों, बोले ब्रज की
नारियों सुनो हमारी, पिता ने विचार बना लिया कि कन्हैया को पकड़ कर ले चले और माता यशोदा से शिकायत करें। देखो क्या कहा, बुलकम गाने जैसे शब्द नहीं है, बुलकम अलग लगेंगे लेकिन फिटिंग देखो। ए लो चलिए पकड़ घनश्याम फकीरी, ए सखी, ए लो चलिए पकड़ घनश्याम फकीरी, एक की दो दो लगा दे, गोपिकाएं बोली जाकर माता यशोदा से कि मैया तेरे बारे से लल्ला बहुत परेशान करता है। क्या कहती है कि पल्लू झटके हमारो पल्लू झटके, जरा सो मैया तेरा लल्ला बहुत है ना छोटा सा, जरा सो मैया तेरे लल्लू मेरो पल्लू झटके, नहीं करता जी मेरे को परेशान करती है। कहा कैसे करती है, कैसे? तो देखो तो नहीं बोले, एक पल में लगा दे धब्बा, ए भैया सीताराम, एक पल में लगा दे धब्बा, कहती है मैया ये मुझसे तेरे तो मम्मी दो बाबा, तेरे तो मम्मी दो बाबा, तेरे तो मम्मी दो बाबा,